5 दिन की दुधमुही बच्ची को बेचने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोप है कि बच्ची को मां ने 5,000 रुपए में बेच दिया था। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर की रहने वाली गीता सैनी ने संजय सैनी से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद 4 जनवरी को गीता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद पति संजय से उसकी अनबन हो गई। गीता अपनी बच्ची को 8 जनवरी को गोविंद नगर रेलवे लाइन पर फेंक कर चली गई थी। गोविंद नगर की रहने वाली रेखा ने बच्ची को उठा लिया था। रेखा की शादी के बाद कोई औलाद नहीं थी। रेखा को जो बच्ची मिली तो बहुत बीमार थी। रेखा ने उसका इलाज कराया। 5 दिन के बाद रेखा के घर पहुंच गई और बच्ची को वापस लेने की मांग करने लगी, जिस पर गीता ने उसे 5,000 रुपए लेकर कचहरी जाकर स्टाम्प पेपर को गोदाना मालकिना दे दिया। सूत्रों के अनुसार गीता ने अब तक किसी दूसरी महिला से 25,000 रुपए में उसे दिया था। लेने के लिए देखा के पास गई रेखा ने बच्ची को देने से मना किया तो एसएसपी अमित पाठक के पास पहुंचकर वापस दिलाने की गुहार लगाने लगी। एसपी ने महिला से पूछताछ की तो मामला सामने आ गया, जिस पर एसपी ने महिला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। बच्ची को पाने वाली रेखा ने बताया कि 8 जनवरी को यह बच्ची रेलवे ट्रैक पर मिली थी। 5 दिन के बाद गीता बच्ची को वापस लेने के लिए आई तो उसने खर्चे के लिए 5,000 मांगे और गोदनामा लिखवा कर बच्ची को हमको दे दिया। एसपी दीपक भूकड़ ने बताया कि एक महिला ने 5 दिन की बच्ची को फेंक दिया था तो पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसको अपने पास रख लिया था। दूसरी महिला का आरोप है कि यह बच्ची को दूसरी जगह बेचना चाहती थी। तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजीद अली की रिपोर्ट। कौन है ये बच्ची? कब? पिछले 8 तारीख को, पिछले महीने की 8 तारीख में। थोड़ी हल्की नीचे। फिर अब क्या हुआ है? अब ये बच्ची साहब हम ये हमारे पास में आई, पता कर इससे पता चली हमारे पास में आई ये, तो हमने इससे कही तुम जब बच्चे को नहीं पालोगे तो हमें दे दो लिखित रूप में, तो मैंने हमें लिखित रूप में दे दिया। उसके बाद में ये हमें आई, हमसे 5,000 रुपये भी ले गई थी खर्चे पानी के हिसाब से अपने। फिर अब ये हमसे बच्चे मांग रहे हैं। तो ये कहाँ रहती हैं? ये गोविंद नगर में रहती हैं। और आप? हम भी गोविंद नगर में रहते हैं। तो आपको भी पता नहीं था कि बच्चा इस तरह के लिखित रूप में कोई भी किसी को गोद दे देगा? जी सर, हमें नहीं पता था। साथ ही हमने देखा था, बोले हमारे कोई है नहीं और हम कुंवारे हैं, तो सर हमने कि जब कुंवारे हैं तो इनका कोई वो नहीं है, तो हम ही पाल लेंगे इस बच्चे को। अब आपको यहाँ क्यों लाया गया? अब ये इसलिए लाया गया सर बच्चे के लिए कि इन्होंने ये माता खाने में आ गई थी सर बड़े अधिकारी के पास में, तो उन्होंने मैडम ने बुलाया गया। तो कितने पैसों को और कह रही थी आपसे? ये इन्होंने हमसे और पैसों को नहीं कही, मतलब दूसरे लोगों ने 25 से 20 हज़ार में उन्होंने सौदा कर लिया होगा एक बच्चे का, क्योंकि खुद पालेगी नहीं, क्योंकि लैन और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे पाकिस्तान की जींस टॉप पहन के घूमती है आवारा लड़की है ये, तो ये बच्चे को पालेगी नहीं, क्या बच्चे को मार देगी, क्या बच्चे को ये कर देगी, बेच देगी किसी को। ठीक जी सर, क्या बच्चा का क्या मामला था? एक महिला थी, उनके जब 5 दिन की जो बच्ची थी उसको जब उन्होंने उसको फेंक दिया था तो पड़ोस में एक रहने वाली महिला ने उसको अपने पास रख लिया था बच्चे को, और इन्होंने वहाँ पे कोर्ट में जाके कोई स्टाम्प पेपर बना के अपने पास बच्चे को रख लिया था। अब ये महिला दोबारा उस बच्चे को 1.5 महीने के बाद वापस मांग रही हैं, और उसमें ये एलिगेशंस लगाई हैं इस महिला के खिलाफ कि ये उस बच्चे को कहीं और बेचना चाह रही हैं। कब का मामला था, किस तरह से उन्होंने कहाँ पर करा? ये जो अभी तहरीर मिली है उसके जो बच्ची थी जो 5 दिन की थी जिस टाइम पे उसने उसको फेंका, तो अब जो तहरीर मिली है उसके बेसिस पे संगत धाराओं में FIR दर्ज की जा रही है। उसे जेल भेजा गया। हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.